बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर गांव में छत पर सोते समय किशोर को जहरीले सर्प ने काट लिया, जिससे किशोर की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि घटना मरका थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है, जहां का रहने वाला प्रदीप पासवान पुत्र सुखदेव उम्र करीब 14 वर्ष बीती रात्रि छत पर सो रहा था कि तभी सोते समय किशोर के हाथ में सर्प ने काट लिया, जिससे हालत बिगड़ने लगी। जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई तो आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। रामू तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। कहां के रहने वाले? मिर्जापुर। क्या घटना हुई है आपके? सर, इस बच्चा खाना खा के रात में छत पे सो रहा था तो इसे किसी कीड़े ने काट लिया, सर्प ने। इसके बाद कहां लेते हैं? इसे बाद सीएससी बबेरू लेके आए। कब लेके आए थे? रात 11 बजे। डॉक्टर ने देखा क्या बता? जी, डॉक्टर ने देखा, मृतक घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना दी। पुलिस कहाँ भेज रही है? पोस्टमार्टम के लिए।